गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, और फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVFN जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मैं गर्भस्थ शिशु का जेनेटिक टेस्ट वगैरह सब यहाँ पर हम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर लेने का, और मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हस्बैंड को कंजनाइटल कैटरेक्ट की समस्या है, प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं? देखिए, कंजनाइटल कैटरेक्ट यदि आप बोलते हैं तो मेरे पास जो केस आया था दैट इज कंजनाइटल कैटरेक्ट इन रिपीटेड प्रेगनेंसी बच्चों में, वो एक अलग चीज होती है। पर एक इंडिविजुअल कंजनाइटल कैटरेक्ट होना, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके बच्चों में भी कंजनाइटल कैटरेक्ट होगा। कंजनाइटल कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन गर्भस्थ शिशु में वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और यदि वो हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चों में भी वो होगा। बट आज की डेट में मोस्ट ऑफ दिस जगह पे, हर जगह पे जो टारगेट स्कैन होता है, यदि एक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हम बच्चे के आँखों को भी देखते हैं और उसमें हम लेंस को भी देखते हैं, तो कंजनाइटल कैटरेक्ट कई बार हम पहचान भी सकते हैं यदि एक अच्छे से अल्ट्रासाउंड करें। बट कंजनाइटल कैटरेक्ट रिपीट होगा ऐसा पक्का नहीं है। रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन का क्या कारण होता है? रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन का सबसे प्रधान कारण जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जो बीज हस्बैंड वाइफ की तरफ से आ रहे हैं, तो वाइफ की तरफ से जो अंडा आता है उस अंडे में कई बार वो 23 क्रोमोसोम देती है, पति 23 क्रोमोसोम देता है, कुल 46 क्रोमोसोम के हम सब बनते हैं। अंडों में कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि 23 की जगह 22 या 24 क्रोमोसोम वाला अंडा आ गया और 23 से मिलके 47 या 45 क्रोमोसोम वाला शिशु बन गया, तो अधिकतर ये शिशु आगे नहीं बढ़ते, उनको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। ये एक मोटा मोटा आंसर है। बट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी जांच होना चाहिए, और यदि ऐसा कोई उसमें जांच मिलता जेनेटिक टेस्ट में जो कि मदर फादर से या हस्बैंड वाइफ की तरफ से आ रहा है, तब हमको वो जांच भी करनी पड़ती है। तो ये एक विशेष तरीका है जांचने का, जो इस वीडियो में मैं केवल नहीं बता सकता, इसका अलग से वीडियो मैं बना के जरूर बताऊंगा। थिन एंडोमेट्रियम का क्या इलाज होता है? थिन एंडोमेट्रियम होता क्या है? थिन एंडोमेट्रियम जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एक जमीन की, बच्चेदानी की जमीन की एक पर्टिकुलर मोटाई आनी चाहिए, जो मोटाई हम अधिकतर बोलते हैं कि 7 मिलीमीटर आना चाहिए। तो क्या 7 मिलीमीटर के नीचे बच्चे नहीं होते? ऐसा नहीं है। इवन 5.56 में भी हमारे पास में प्रेगनेंसी हुई है। डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियम का प्रकार, मॉर्फोलॉजी कैसा दिखता है। तो थिन एंडोमेट्रियम यदि अच्छा नहीं दिख रहा साथ में, तो फिर उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। उसमें हिस्टोस्कोपी भी है, उसमें हम बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमाइज्ड उस इंडिविजुअल के ऊपर कि हम किसको देख रहे हैं, और हर केस टू केस डिफर करता है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का ट्रीटमेंट क्या है? क्या ऐसे में प्रेगनेंसी हो सकती है? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हुआ क्यों? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होने का रीजन जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी की एक साइज होती है, जब बच्चा लड़की छोटी होती है, जब उसको पीरियड नहीं होता तो उसके बच्चेदानी छोटी रहती है, जब उसको पीरियड स्टार्ट होता है तो यही बच्चेदानी बड़े होके ये रूप ले लेती है। अब यदि इस रूप में ना आके इसी रूप में यदि बैठे तो इसको हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। अब ये जो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कुछ हार्मोन का एक्सपोजर, हार्मोन का बहाव इसमें होना चाहिए, तब जाके ये बढ़ता है। ये हार्मोन अधिकतर ईस्ट्रोजन होता है। ये ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? इसके बाजू में जो अंडाशय होते हैं उससे आता है। इस अंडाशय की फैक्ट्री में दो चीज बनती है, एक बनता है अंडा या एग, और दूसरा होता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ से निकल के फिर ब्लड के थ्रू इसमें आना, तब ये बच्चेदानी बड़ी होती है। अब ये जो ओवरी है, अंडाशय है, जो दो हैं, यदि इसमें इसकी फैक्ट्री खराबी है तो फिर ये हाइपोप्लास्टिक यूट्रस उस कारण भी हो सकता है।
यदि इसमें इसका जो मैनेजमेंट है जो ब्रेन से आता है वहाँ खराबी है, तो हम मैनेजर खरीद मैसेंजर खरीद के भी इसको चला सकते हैं। यदि ये इस कारण से है तो हम इस बच्चेदानी को बड़ा कर सकते हैं। यदि बच्चेदानी एडल्ट साइज में पहुँच सकती है तो हम इसमें IVF या प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो हर केस में जांच करना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस ट्रीटेबल है कि नहीं, कितना प्रॉब्लम है, कितना हाइपोप्लास्टिक है, ठीक हो सकता है कि नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या इलाज होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेल का प्रॉब्लम होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके मैं काम करता हूँ, पर उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूँ यदि लोगों का ये डिमांड है। क्योंकि जो पुरुष होता है, पुरुष के दो काम होते हैं, एक होता है इंटरकोर्स करना और दूसरा होता है बच्चे पैदा करना। हो सकता है कोई पुरुष बच्चे पैदा करने में सक्षम हो, उसके पास शुक्राणु हो, पर इंटरकोर्स नहीं कर पाता, मतलब इरेक्शन नहीं हो पाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनका इरेक्शन अच्छा होता है पर उनके पास शुक्राणु नहीं होते, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इनको लेके मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।